सो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई ड्रीम इलेवन की टीम के प्रोडक्शन के वीडियो में। जो का इस वीडियो में बात करने वाले इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड के बड़े मैच के बारे में। गाइस इंडिया की अगर हम बात कर लें, गाइस अगर हम लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख लें, गाइस काफ़ी अच्छा इन्होंने बैटिंग करी थी। गाइस 210 रन का इन्होंने टारगेट लगा दिया था ना अभी उसके अफगानिस्तान के खिलाफ, गाइस जिसको अफगानिस्तान चेज नहीं कर पाती। गाइस इंडिया के लिए गाइस विनिंग मोमेंटम पे आना बहुत ज़रूरी था। गाइस लास्ट मैच में इंडिया अपनी विनिंग मोमेंटम पर आ चुकी है। वहीं बात कर लें स्कॉटलैंड की, गाइस स्कॉटलैंड का सफर खत्म हो चुका है गाइस अपने वर्ल्ड T20 के टूर से। गाइस स्कॉटलैंड पूरी भारत तरीके से बाहर हो चुकी है गाइस, पर वही बात है गाइस इंडिया को एटलीस्ट स्कॉटलैंड को 50 प्लस रनों से हरवाना पड़ेगा, तभी इंडिया के लिए थोड़े बहुत चांसेस जो रहेंगे गाइस वो तभी ओपन रहेंगे गाइस इंडिया के लिए। तो गाइस उस लिहाज से देखें तो गाइस बहुत ही बड़ा मैच रहने वाला है ये वाला। अगर हम बात कर लेंगे इस वीडियो में, गाइस इस वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन की टीम प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लेयर प्रेडिक्शन करेंगे, टीम एनालिसिस करेंगे, गाइस गिव अवे भी होगा। 5,000 रुपीज़ का बहुत बड़ा गिव अवे गाइस, इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट लेना गाइस वो मैं आपको वीडियो के मिड में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। वीडियो में गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक स्टैट्स भी बताएंगे गाइस, आपको प्लेयर प्रेडिक्शन बताएंगे, ग्रैंड लीग की पिक्स बताएंगे। तो गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना गाइस, वो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए, एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल तो भूलना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे, टॉस होने के बाद होगा टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन करके रख लेना अभी से। गाइस लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम में कोचो ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस अगर हम बात कर लें अपनी वीडियो में, गाइस अगर हम प्लेइंग 11 देख लेंगे लास्ट मैच के, गाइस तो टॉप ऑर्डर इंडिया के जो ओपनिंग साझेदारी है गाइस 140 रन की गाइस बड़ी ओपनिंग साझेदारी हुई थी लोकेश राहुल एंड रोहित शर्मा के बीच में। गाइस बहुत ही उमदा फॉर्म में गाइस दोनों, लास्ट मैच में दोनों बैट्समैन लग रहे थे गाइस मिडिल ऑर्डर में। यहाँ पे विराट कोहली गाइस, सूर्य कुमार यादव को तो नंबर ही नहीं गाइस, उसके पास सीधा ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या थे फिनिश करने के लिए। वही बात कर लें अपनी स्कॉटलैंड की, स्कॉटलैंड की गाइस कुछ इतनी खास अपडेट्स है नहीं गाइस। स्कॉटलैंड गाइस लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर हम बात करें लीज की गाइस, लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग करके गए, उन्होंने काफ़ी क्लोज ले आए थे, न्यूजीलैंड को हरा भी सकते थे। और गाइस वही बात है, थोड़ा सा अगर और होता, थोड़ा सा अगर अपर ऑर्डर थोड़ा और साथ देता, सो गाइस कंफर्म बात थी गाइस स्कॉटलैंड जो है अपनी लास्ट मैच में न्यूजीलैंड को हरा सकती थी। तो गाइस अगर हम टीम अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया की टीम अपडेट्स के गाइस टॉप ऑर्डर में यहाँ पे गाइस आपको लोकेश राहुल रोहित शर्मा सेम जोड़ी दिखाई देगी गाइस लास्ट मैच वाली। गाइस दोनों काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी अब आ चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में देख लें, मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे गाइस विराट कोहली आएंगे, सूर्य कुमार यादव आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे फिनिश करने के लिए। गाइस अपने हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा आएंगे। अगर हम बात कर लें बॉलिंग स्पिन बॉलिंग की तरफ से, गाइस रविंद्र जडेजा रविचंद्रन अश्विन आपको दिखाई दे देंगे, पेस बॉलिंग में आप जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी आपको दिखाई दे जाएंगे। बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की टीम अपडेट के बारे में, गाइस अगर इनकी टीम अपडेट से बाहर लेकर तो लास्ट गए तीन मैच हार चुके हैं गाइस, इन्होंने तीन मैच खेलेंगे सारे के सारे मैच अपने हारे हैं। तो गाइस स्कॉटलैंड यही चाहेगी कि एटलीस्ट एक मैच जीते गाइस, और वो अगर इंडिया के खिलाफ अगर वो मैच जीत गई तो गाइस उनके लिए तो बहुत बड़ी विक्ट्री रहने वाली है ये वाली। अगर हम बात कर लें यहाँ पे टॉप ऑर्डर बैट्समैन के बारे में, टॉप ऑर्डर में यहाँ पे गाइस जॉर्ज मुंशी एंड काइल कॉर्डर आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई दे जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे गए थे अपने मैथ्यू क्रॉस, रिची ब्रिंगटन एंड कैलम मैकलॉयड आपको दिखाई दे देंगे मिडिल ऑर्डर में। बात कर लेते हैं स्पिन बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में यहाँ पे क्रिस क्रीव्स एंड मार्क वॉट, पेस बॉलिंग में यहाँ पे गए इवांस हो गए, अपने सफान शरीफ हो गए, गए आपको पेस बॉलिंग में अटैक संभालते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर हम बात कर लेंगे इस फैंटेसी टिप्स की, टॉप ऑर्डर बैट प्ले मेजर ऑन दिस पिच, गाइस अपने दुबई की पिच है गाइस बैटिंग के लिए धीरे धीरे बन चुकी है। पहले स्टार्टिंग में तीनों पिच जो शायद था कि काफ़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, बट गाइस अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब एक दुबई की पिच थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली बन चुकी है। तो गाइस ट्राई करना अपनी टीम में अच्छे बैट्समैन को लेकर जाने की। की प्लेयर रहने वाले गाइस इंडिया की तरफ से यहाँ पे लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। स्कॉटलैंड की तरफ से मुंशी, क्रॉस, वेलिंगटन, लीस्क, ग्रीव्स, वॉटन, शरीफ। अगर हम बात कर लेगा यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में, तो गाइस वही सेम चीज़ मैं कह रहा हूँ, गाइस थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली हो चुकी है पिच, गाइस अच्छी बैटिंग होगी, बैट पे आ रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉलर्स के लिए बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बॉलर्स को भी अच्छी विकेट्स मिल रही हैं। अगर आप अच्छी बॉल डालोगे आपको विकेट मिलने के चांसेस वही बात है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो गाइस पिच अच्छी है, गाइस बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए अच्छी है, बट थोड़ी सी स्लाइटली मैं कहूँगा बैटिंग को ज़्यादा फेवर करने लग गई है पिच। सो गाइस मैं आपको गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट लेना है गिव अवे का बता दूंगा, जहाँ पे आपको टीम सेक्शन दिखाई देगा नीचे पे, इसको आपको टीम सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा टॉप ऑर्डर में दिखाई दे रहेगा, यहाँ पे सजेस्ट योर टीम का गाइस, आपको यहाँ पे आके गए जस्ट आपको अपनी टीम सजेस्ट करने गई थी। मेरी फाइनल टीम नहीं रहने वाली जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ गाइस, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ गाइस, कोई मेरी फाइनल टीम नहीं है गाइस, देखिए आपको हिसाब से गाइस अपनी टीम बनानी है।
उसके बाद अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट करना है गाइस। जैसे ही आप सबमिट करेंगे गाइस, इस तरीके से आपने हमारा गिव अवे पार्टिसिपेट ले लिया। बिल्कुल सिंपल गिव अवे है। आपको आना है, पॉसिबल है उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर रहकर रजिस्टर करना है। 10 रुपीज़ इंस्टेंट आपको कैश बोनस मिल जाएगा। उसके बाद आना मैच पर आना गाइस। जैसे मैंने ज्वाइन करा वैसे अपनी टीम में लगाना कि आपको जो प्लेयर लगता है उस प्लेयर को लेना है, जिसको कैप्टन बनाना चाहते हैं आप उसको कैप्टन बनाना गाइस। जो भी आपको विनिंग अमाउंट होगा आपको पॉसिबल एम के अकाउंट में भेजा जाएगा मैच खत्म होने के बाद, जिसको आप इजीली पेटीएम में रिडीम कर सकते हैं। तो गाइस बहुत सिंपल गिव अवे, आइए ज्वाइन करिए गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ। सो गाइज अगर हम बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, गाइज विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास दो ऑप्शन बहुत ही अच्छे ऑप्शन आते हैं। ऋषभ पंत एंड एम क्रॉस के दोनों ही बहुत अच्छे पिक्स रहने वाले हैं गाइज। लास्ट मैच का परफॉर्मेंस आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों प्लेयरों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके अपनी टीम को काफ़ी योगदान दिया था। ऋषभ पंत ने तो काफ़ी योगदान दिया था अपनी टीम की जीत में गाइज। क्रॉस ने भी काफ़ी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी लास्ट मैच में गाइज। थोड़ा सा फिलहाल के लिए मैं क्रॉस के साथ जाना चाहूँगा गाइज। यहाँ पे मैं ऋषभ पंत को भी लेना चाहता हूँ। तो गाइज फिलहाल के हम ऋषभ पंत के लिए भी को भी रख लेते हैं अपनी टीम में। बैटिंग देखेंगे, बैटिंग यहाँ पे विराट कोहली मस्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे गाइस। रोहित शर्मा के साथ के एल राहुल इनके लास्ट में पिकर अपनी रहेगी गाइस मनसी के साथ। बात कर रहे थे ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर में गाइस यहाँ पे लीज को ज़रूर लेना गाइस। लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी गाइस, बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर रही थी गाइस। लीज को बिल्कुल भी मिस बिल्कुल मत करना इस मैच के लिए। बात कर रहे थे बॉलिंग में, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह, रविंद्र चंद्रन अश्विन के साथ साथ गाइस यहाँ पे मोहम्मद शमी इनका जो अपने लास्ट प्लेयर बचते हैं गए थे। आप यहाँ पे देखिए अब आपके पास ऑप्शंस आते गए थे। यहाँ पे आप शरीफ को भी ले सकते हैं, यहाँ पे गए आप मॉट वॉट को भी ले सकते हैं गए, दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। यहाँ पे गए थे आपके पास डेवी भी काफ़ी अच्छी पिक रहने वाले हैं इस मैच में। बट गाइज अगर मैं आपको बताऊंगा गए अगर यहाँ पर जहाँ से देखिए रविंद्र जडेजा आप नहीं ले सकते। रविंद्र जडेजा लेने के लिए आपको यहाँ पे यहाँ पर ऋषभ पंत को तो ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करते गए आप अपने रविंद्र जडेजा को लेना है, यहाँ पे अपने ग्रीव्स को ले सकते हैं जी। टीम भी काफ़ी अच्छी टीम बन सकती है, कहते अपने से चेकआउट कर सकते हैं। वरना कहते अगर आपको ऋषभ पंत चाहिए तो आपको कहते अपने रविंद्र जडेजा को सिंपल ड्रॉप करना है, ऋषभ पंत को लेना है। इनका यहाँ पे आप ग्रीव्स को हटा के कहते यहाँ पर डेवी भी ले सकते हैं। डेवी नहीं लेना तो यहाँ पे शरीफ को भी ले सकते हैं। इलेवन प्लेयर कहते आपकी मर्जी रहने वाली, आपको ग्रीव्स लेना है, डेवी लेना है या शरीफ लेना है। तो कहते इलेवन प्लेयर आपकी कोई भी आपकी मर्जी रहने वाली है। बाकी आपको फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल मैं कहते यहाँ पर जडेजा को ले लूँगा। जडेजा के साथ यहाँ पर मैं ग्रीव्स को भी लेना चाहूँगा। कैप्टन बनाऊंगा, कैप्टन यहाँ पे कहा कि राहुल को बनाने वाले हैं कैप्टन। वाइस कैप्टन हमारे रहेंगे गाइस जसप्रीत बुमराह। ये देखिए गाइस फिलहाल के लिए गाइस यही मेरी फाइनल टीम रहने वाली है। इसी टीम से मैं सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वाला हूँ गाइस। होप तो गाइस आपको टीम अच्छी लगी होगी। टीम अच्छी हो लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।